देखिए हम लोग मकान का घर है, हमारा मकान गोटे घर डूब गया है, उसमें सब पानी सब दल तो सब भरा हुआ है, नाई खोते नाई नहीं मिलता है। अति हमें अति केला का बोर पर लेकर बकरी आए हैं, गोरू लेके आए हैं, थोड़े थोड़े खाने खातिर लेके आए हैं, बाल बच्चा भी वहीं पर है, हमारा अभी घर वाला मालिक वहीं पर है, खाली बाल बच्चा लेके यहाँ आए हैं। क्या ब्लॉक से आप लोग को नाव और चूरा गुरू कुछ नहीं मिला है सर? कृपा कुछ नहीं मिला है हम लोग एकदम ऐसे ही, एकदम अपना अपना वो सतुआ कोई भूजा कोई कुछ खा खा अपना भी जान बचा रहे हैं हम लोग का। कितना कैसे लेके आ रहे हैं ऊपर, कैसे बच रहे हैं इसी में केला का थम में? यही केला का थम में ब्लॉक से नाव या कुछ नहीं दिया है? नहीं दिया है ब्लॉक से नाव। आप लोग जब ऊपर आए तो पुलोथिन या चूरा गुरा ऐसा कुछ मिला? नहीं कुछ नहीं मिला है। जो है करीब 2000 आदमी प्रभावित है इस गांव के अंदर। अच्छा। और ये पिछले साल 2017 में भी जब आई थी तो यहाँ से ही कटिंग होती थी। मैं बिहार राज्य सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार यहीं से कटिंग होती है, यहाँ पे एक अगर बड़ी पुलिया का निर्माण करा दिया जाए तो संभवतः गांव की परेशानी दूर हो जाएगी। कौन कौन गांव है ये? ये संजेली गांव है। आवागमन कट गया पूरी तरह से, प्रभाव ये है खत्म हो गया है कनेक्शन। अब यहाँ के लोग जो रात को जो खाना बनाएंगे उसके लिए परेशानी होगी और यहाँ से पूरी तरह आवागमन समाप्त है। जबकि इस रोड को कटने से बचाया जा सकता था, प्रशासन को कटने से करीब करीब 2 घंटा पहले खबर दी जा चुकी थी, लेकिन वहाँ से कोई भी रिलीफ नाम का कोई चीज नहीं है। संजेली गांव है और कदवा प्रखंड में पड़ता है। हाँ। और सुबह प्रशासन को जब सूचना दिया गया यहाँ कटाव नहीं शुरू हुआ था कि प्रशासन के आदमी अगर आ जाते तो इसको रोका जा सकता था, पर अब जो है इस गांव से निकलना मुश्किल है आदमी का। अगर कोई गर्भवती स्त्री है वो बगल में 2 किलोमीटर में हम लोग का प्रखंड मुख्यालय अस्पताल है, वहाँ नहीं पहुँच पाएगी और संभवतः बहुत बड़ी घटना घट सकती है गांव के अंदर। क्या चाहते हैं प्रशासन की तरफ से? कोई प्रशासन की तरफ से सर अभी तक कुछ यहां प्रशासन अभी तक आए नहीं है और प्रशासन की तरफ से यही मांग है तुरंत तत्काल कम से कम नाव का प्रबंध किया जाए और जो है खाने पीने। नहीं हमको तो पता चला तो हम स्वयं आए क्योंकि चारों तरफ से पानी है तो त्वरित कोई कार्रवाई करना भी मुश्किल था क्योंकि, लेकिन ये कटिंग अगला बार भी हुआ था यहाँ तो इसको भर करके कम्युनिकेशन चालू किया गया था और पानी जैसे कम होगा इस कम्युनिकेशन को चालू किया जाएगा और ग्रामीणों के द्वारा जो प्रशासन को सूचना दिया गया था वो इनिशिएटिव कितने क्यों नहीं लिए इस पर भी हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्यों नहीं हुआ। अभी फिलहाल क्या किया जा रहा है इन लोगों को कम्युनिकेशन जोड़ने के, नाव की व्यवस्था की जा रही है? नहीं बाकी अब तो यहाँ से हम तो तुरंत आए हैं, आप देख रहे हैं कि कटिंग हुआ है और हम आए हैं तो अभी प्रखंड मुख्यालय भी जा रहे हैं और प्रशासन से बात करेंगे, इसका आवागमन चालू कराया। कटिहार में किन किन क्षेत्रों में इस बाढ़ का प्रकोप है? कटिहार जिला में मोस्टली 6 प्रखंड में पानी प्रवेश कर गया है, 1 कदुआ, बलरामपुर, बारसोई,
आजमनगर, प्राणपुर, अहमदाबाद और डनखोरा का कुछ हिस्सा। सामान फंस गया है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ नहीं मिला है और खाने का लिए भी कुछ भी नहीं है। क्या प्रखंड से ब्लॉक से कुछ मिला था, आया था चूरा गुरु? नहीं मिला, लकड़ी मिला है। जी संजेली में जो रोड थी, सड़क बनाई है जी, वो शिवगंज का पानी जो संजेली से धार कर रहा है वो कट गया है। वहाँ भी हम लोग धार स्पीड कमता है, तो शिवगंज कटिंग में, संजेली कटिंग में और नरगंजा कटिंग में, वो तीन जगह हम लोग अभी नाव छोटी वाले से नहीं चला रहे हैं क्योंकि बहुत धार है। आज शाम तक वेट करेंगे या फिर कल सुबह से, वो तीनों जगह हम लोग।